हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा है, पूरा धूप निकला है, देख सकते हो कितना अच्छा धूप निकला है। बढ़िया, चार तरफ हमारी इधर धूप लग रहा है ना। और दोस्तों, कई दिन के बाद लगभग दस दिन हो गए, 10 दिन में आज ऐसा धूप देखने के लिए मिला। सूर्यदेव बड़े अच्छे निकले हैं। नहीं, धूप तो निकलता था, एकदम थोड़ा सा निकलता था और मतलब शरीर में लगता भी नहीं था ना, शरीर में नहीं लगता। और अब यहाँ पर थोड़ा सूख जाएगा, जो हमारा मतलब पूरा गीला हो गया था ना, बारिश हुआ था उस दिन, तो पूरा सूख जाएगा। अब आज मतलब काफ़ी सही लग रहा है ना, आज ठंडी भी कम है क्योंकि दोस्तों धूप निकला है। और सुबह में ठंडी हुई थी थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं हुई थी ना। और जय जी दोस्तों, अभी हमारी साग को चीर रही है, आज हम लोग साग बनाएंगे। और बिटिया रानी हमारी इधर खा रही है मोबाइल के कवर को। बेटा कुछ नहीं पाती तो मोबाइल कवर खाती है। और अभी तेल लगा ली एकदम से मस्त, जय जी लगा दिया है, तो बैठिए खेल रही है। ठीक है, साग कट गया दोस्तों जय जी का। चलो फिर धर दो, देखो कुछ ना कुछ खाती रहती है। खा रही है, चैन खा रही है, चैन शॉटर का चैन खा रही है। रख दो फिर बनाओ। अब दोस्तों हम लोग साग बनाएंगे और आज साग ही खाएंगे। तो दोस्तों जैसा आप लोग कहते हैं कि वो पीछे का दरवाज़ा हमारा खुला है, देख सकते हो। और वो अभी पुट्ठा उट्ठा लगा है बड़ा बड़ा, और सही से हम लोग नहीं बना पाए दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखे हो कि क्या मजबूरी है। हम लोग जल्दी जल्दी करके दोस्तों बाहर से आए, फिर ये घर बनाए। और काफ़ी दोस्तों परेशानी थी उस टाइम में जब हम लोग बना रहे थे, तो हम जल्दीबाजी में बना दिए थे कि मतलब एक प्रकार से रहने के लिए हो जाए। और दोस्तों थोड़ा छोटा कर दिए घर दोस्तों। हम लोग वो दरवाज़े तो चाहते हैं कि बंद कर दें, लेकिन क्या है ना कि जैसा मतलब अभी हम ये घर को दोस्तों थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अभी सोच रहे हैं कि मतलब ऊपर तक और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी छोटा है हमारे, मतलब अंदर घुसते हैं आते हैं तो हमारे सर में लग जाता है। एक दिन इधर लग गया था इतना ज़ोर कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा अभी भी गुल्ला बना है, इधर लग गया था। तो ये घर को दोस्तों अभी हम लोग ना और बड़ा बनाएंगे, ये पूरा उतीन करके पूरा निकाल लेंगे, फिर बाद में ऊपर हाइट कर देंगे। फिर वो दरवाज़ा ना उसी साइड में जो दरवाज़ा है उसका हम लोग बंद कर देंगे। और दोस्तों इस साइड में जो इस साइड का दिख रहा है ना, तो उधर भी एक तो मतलब घर बना लेंगे, मतलब खाने बनाने के लिए किचन विचन जैसे ये बना है ना, तो इस तरह का उधर हम लोग बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों इधर होता नहीं है, बारिश के मौसम में सब ख़राब हो जाता है ना। तो इसके लिए दोस्तों अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सोचे जब बनाएंगे ना तो एक साथ में पूरा दरवाज़ा बंद करेंगे और मतलब पूरा काम कर देंगे। और ये घर में दोस्तों होता नहीं है, तो मतलब अभी एक दो महीना टाइम है जब तक ये अभी हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अभी दोस्तों दिक्कत है। थोड़ा पैसा वैसा जो आ जाए तो थोड़ा उसमें खर्चा लगेगा, तो बना लेंगे ना जी। हाँ जी, बनाना ही पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा दोस्तों, हमको घर तो बनाना ही पड़ेगा। बहुत दिक्कत होती है, और अभी बहुत दिक्कत होती है बरसात के टाइम में, बहुत दिक्कत होती है। अभी एक ही दिन दोस्तों इधर बारिश हुआ था, तो देखेंगे आप पूरा इधर पानी पानी हो गया था और चूल्हा वूल्हा सब बिगड़ गया था। उसी दिन हम लोग लिपाई पुताई किए थे। अभी धूप निकला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप है, तो इसके चलते दोस्तों अभी हम घर का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जब बनाएंगे तो पूरा बिगाड़ के बनाएंगे नहीं, क्योंकि बार बार दोस्तों हम लोग हमको इकट्ठा सामान सब लाना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई सामान है भी नहीं कि हम मतलब थोड़ा थोड़ा करके बना लें। तो खेड़ी ले आओ, तो हाँ ठीक, तो जाते हैं दोस्तों हम लोग खेड़ी ले आते हैं, क्योंकि लकड़ी इधर ख़त्म हो गई है। और लकड़ी कम भी जलाएंगे क्योंकि खेड़ी अभी हैं तो जला लेंगे। और भर लाते हैं वहाँ पर पड़ी है खेत में ना। हाँ जी, तो जाते हैं हम खेड़ी भर के लाते हैं और जयाजी को देते हैं। जयाजी दोस्तों साग बनाएंगी, और अभी लकड़ी भी फाड़ना पड़ेगा, लकड़ी फाटी नहीं है। और देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ये पेड़ी पर ही है, जो मतलब ये बड़ी सी लकड़ी है, इसको काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, तब जाके बनाने के लिए होगा। और दोस्तों हमारी मेथी भी जाम आई है उधर, देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों मेथी जाम आई है पूरी। ये तीसरी बार में जामी है, तीन बार हम लोग बो दिए थे, तीन बार नहीं जामी थी, चौथी बार थी। हम सोच रहे थे अभी इसी बार बोएंगे, जामेगी तो जामेगी, सब जाम आई है। और यहाँ पर धनिया भी बड़ी बड़ी हो गई, देख सकते हो पूरा धनिया मस्त हो गया है। और इधर ये पूरा हमारा फूल है दोस्तों, ये फूल पूरे ये भी लग गए हैं। और उधर हम लोग लहसुन लगाए हैं, लहसुन भी बढ़िया जाम आई है। और ये चुकंदर है, और उधर का पलकी है थोड़ा सा, और ये पूरी आलू है,
इधर भी बैठे थे, इधर भी बैठे थे, पूरा आलू आलू घुस के बैठ गई है। देखो दोस्तों कहाँ पर हमारी बिटिया घुसी है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। कहाँ घुस के बैठ गई? यहीं पर बार बार घुस जाती है, तो इसको बोरी बिछा दिया है कि अब ये मतलब बोरी में रहेगी। घुसी ना अंदर, फिर अंदर आएगी ना। हाँ बेटी, हाँ बेटे रिद्धि खुशी कितना ना। तो चल तसला दे दो, फिर हमको हम जाते ले आते। तो दोस्तों अभी हमको जाना है, खेड़ी लेके दे जया जी को दे देना है, तो खेड़ी लेके दे देते हैं। तब तक जया जी चूल्हा उल्हा आ आएंगी और बनाएंगे तब तक साग। हम चूल्हा और चैला भी फाड़ना पड़ेगा, पहले खेड़ी देते हैं बाद में चैला ही फाड़ेंगे। कुल्हड़ा लाएंगे, मांग के ले आएंगे। हाँ ले आएंगे, पहले खेड़ी ले आए। ये रही दोस्तों खेड़ी, इनको भर के दे देते हैं जया जी को। यहाँ पर हम लोगों ने जुहा लिया था, इकट्ठा कर लिए एक दिन ले ले करके, तो अब जलाने के लिए हो जाएगा। अब कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा इकट्ठा करने के लिए। बस इतना हो जाएगा, इतना दे देते हैं। लो इतना हो जाएगा ना, इधर रख दे, इधर रख दे। लग गया लगा रही है क्या? लगा ले, बना दो फिर लगा के धर रख। तो दोस्तों लेवल लग गया है बटुइया में, देख सकते हो। चलो चलते, खेड़ी लिया है। अब जया जी दोस्तों धान रख रही है, ये देखिए डाल दो, हो जाएगा। इतना हो जाएगा धान दोस्तों, अब साग बनाने के लिए इतना धान हो जाएगा, है ना। खेलो ये हमारी बिटिया का दोस्तों एक सबसे अच्छा मतलब वो है, इसमें लिटा देंगे ना तो रोएगी, अगर इधर आ जाएगी तो फिर रोना भी बंद कर देगी और खेलती भी रहेगी, गिर गिर पड़ेगी फिर खेलेगी। तो दोस्तों जया जी ने आटा डाल दिया है साग में, और ये साग को आटा लगाना पड़ता है, तो तब जाके मतलब थोड़ा सा लसीट के बनता है, अच्छा रहता है ना। वैसे तो बिना साग के बिना आटा के भी बन सकता है, बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा लसीट के बनता है तो आटा डालना पड़ता है ना। तो दोस्तों धान आ गया है और चूल्हा भी बढ़िया जल रहा है ना। खेड़ी सूख गई है ना, आज धूप निकला था तो इसके लिए बढ़िया जल रही है ना बेटे। वो थोड़ा सा था, उसको खा रही है। रोटी दे देना, रोटी है क्या? रोटी रोटी अभी बनी नहीं, अभी नहीं। और दोस्तों घाम निकला है ना, धूप निकला बढ़िया अच्छा अच्छा, तो देखिए पूरा सूख गया है ये खेड़ी, तो बढ़िया जल रहा है चूल्हा ना। और ये लकड़ी भी गई, चैली बची नहीं, देखिए इतनी चैली बची है, तो इन्हीं को भी लगा दिया है जय जी ने। इनको जलाओ ना, देखो तो इनको जलाओ, ये आ रही है, चढ़ रही है ऊपर। बेटा खेलो, मम्मी काम कर रहे हैं तो खेलो। अभी तक कहाँ चढ़ रही है, कहाँ चढ़ रही है? आओ आओ इधर इधर इधर, मम्मी का काम उधर आ रहा। हम आ गया है, मम्मी क्या बनाएगी फिर, खाना क्या खाएगी? है डाल देते हैं अदान, अदान आ गया, किस तरह खोल रहा है। डाल दो अदान आ गया दोस्तों, पानी खोल गया है, खोल गया का मतलब अदान आ गया ना। अब जय जी डाल रहे हैं साग को, और डाल दो देखना कचरा ना जाए। हाँ बता लिया मत, पड़ गए ना साग, पड़ गया है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे जया जी, और थोड़ी देर में ही पक जाएगा ना, और इसके बाद पकने के बाद फिर रोटी बनाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे ना।
और खेड़ी से है दोस्तों, अब खेड़ी बहुत हो गई है ना, कल पूरा दिन हम लोग खेड़ी ढोए दोस्तों पूरा। अब ठंडी में जैसे कौड़ा बारना होगा और चूरा जलाना होगा तो ये खेड़ी पूरा काम आएगा ना। अभी हम मतलब जब तक महीना खाट तो चल जाएंगे, महीना दो महीना हमको लकड़ी नहीं जलाना पड़ेगा ना, जलाएंगे लेकिन लकड़ी के साथ खेड़ी। हाँ मतलब लकड़ी कम लगेंगी, खेड़ी में चलाएंगे ना तो तुरंत जल जाती है, थोड़ा लकड़ी थोड़ा खेड़ी जला लेंगे मिलाते। और कौड़ा तापने के लिए तो हो गया ना, वैसे चूल्हा के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन कौड़ा तापने के लिए जरूरी था, ठंडी में ना ये जरूरी रहता है। लग गए क्या आँख नहीं सही, ले लो बहुत खेली है आज, परेशान करती है आज, खेली बहुत है, काम के टाइम में परेशान करती है, ये बाल पकड़ के मुंह में भर नहीं काटे 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 क्या है ये क्या है, ये क्या लगा है, खेड़ी लगे तब लग गए हमें लग रहा है, इसीलिए हंस रही। तो चलो अभी बनाओ है, तो चलो दोस्तों थोड़ी देर अभी पकने देते हैं, फिर बाद में हम खाएंगे, और शाम भी होने वाली है लगभग, सूरज देव शायद बस डूब गए, अभी नहीं डूबे, थोड़ी देर में डूब जाएंगे ना, अभी थोड़ा थोड़ा निकले हैं, अभी नहीं डूबे, पका लेते हैं थोड़ी देर, पक गए है ना, पक गया दोस्तों, थोड़ा सा कसर बाकी है पकने में, और दोस्तों शाम भी होने वाली है, सूरज देव डूब चुके हैं, थोड़ी देर में डूब ही गए हैं दोस्तों, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और हमारे घर में दोस्तों अभी लाइट वाइट का कोई प्रबंध नहीं, तो फटाफट दोस्तों अभी जाया जी बनाएंगे रोटी सबसे पहले, तो थोड़ी देर में पक जाएगा, फिर बाद में दोस्तों हम लोग बनाएंगे रोटी, फिर बाद में खाएंगे, और शाम हो जाएंगे हमको रोटी बनाते बनाते अंधेरा हो जाएगा ना। और दोस्तों बता दें कि हमारी बिट्टी के छाला जो थे तो वो ठीक हो गए हैं, हम लोग दवा ववा कुछ भी नहीं कराए हैं, तो मतलब फिर भी ठीक हो गए ना, उस तभी तो दोस्तों बराबर खेल नहीं रही थी और खिलझिरा रही थी, रो रही थी ना, अब जब लार बहुत बहा रही थी, इतना लार बहा रही थी कि मतलब ये साल पूरी बिटिया की भिंजी रहती थी ना, और अब खेल रही है ना, अब लार नहीं बहती, खाली अंगूठा का पीती रहती है, पी लेती अभी। तो चलो दोस्तों अब हम लोग ना वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चलिए दोस्तों बाय बाय।